ये देखिए घी है, ये मैं रख के भूल गई थी, तो काफ़ी समय से मैंने इसको देखा ही नहीं, तो उस दिन अचानक खोल के देखा तो ये देखा सारा घी हमारा फफूंद चुका है, ख़राब हो चुका है। और घी है इतना महंगा आता तो फेंक भी नहीं सकते, तो उसको ठीक करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले घी को हम एक साफ कढ़ाई लेंगे, उसमें निकालेंगे सारा घी, कढ़ाई में कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पर चढ़ा देते हैं और इसको चलाते हैं। मैं और भी घी की कई ट्रिक बता चुकी हूँ, पर ये वाली आज जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, ये बहुत पुरानी ट्रिक है। और ये हमारी सासू माँ, माता जी, ये ट्रिक अपनाया करती थी, तो वही मुझको उस दिन याद आ गया जब ये घी ख़राब देखा तो कैसे सही करें। तो मैं वही आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पर बने रहें। ये देखिए, ये है नींबू, ये है नींबू की पत्तियाँ। तो इससे मैंने चार पांच पत्तियाँ ले ली हैं, और घी को अच्छे से गरम होना चाहिए। जब घी अच्छे से गरम होगा तभी आगे का बताती हूँ कैसे करना है आपको। और ये देखिए घी अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें मैंने तीन से चार पत्तियाँ डाल दी हैं। अब इन पत्तियों को जब तक इसमें घी में रहना है, जब तक इन पत्तियों का कलर ना चेंज हो जाए, यानी अच्छे से कड़क हो जाए, अच्छे से सिक जाए, जिससे कि घी की जितनी भी स्मेल है गंदी वाली वो निकल जाए। ये देखिए, अब ये पत्तियां है ना कड़कना शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे सिक रही हैं इसके अंदर। और इस ट्रिक से घी 100% शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल भी स्मेल इसमें फिर नहीं रह जाती है किसी भी प्रकार की। अब ये पत्तियां हमारी कड़क चुकी हैं, और अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है, और 7-8 घंटे तक ऐसी पत्तियाँ पड़ी रहने दी। उसके बाद घी जब ठंडा हो गया है, अब हम इसको घी छान के रख लेते हैं, इस्तेमाल करने लायक हो गया। अब इससे पूड़ी बनाएं, पराठे बनाएं, दाल में डालें, किसी में भी डालें, तो घी है बिल्कुल सही हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।